देखना चाहते हैं माँ, कि एक बेटी का प्यार जीतता है या एक माँ की ममता हारती है। आज हम कानूनी तौर पर अमिता को वोट दे रहे हैं। इतनी खुशी तो हमें जिंदगी में कभी नहीं हुई। मेरा कोई एक हाथ चाहिए। ऐसा क्या छुपा है इनमें? एक में भाई है और एक में बहन है। क्या कह रही हो तुम? ये तुम्हारी बच्ची नहीं है, ये एक नागिन है। नागिन तुम्हारे लिए होगी, हमारे लिए हमारी जिंदगी का एक हिस्सा है। इस घर का मसीहा है, एक साक्षात देवी है। देवी? अरे विक्रम बेटा, बहू को रोक लो। ये जो नागिन है ना, तुम्हारी बच्ची को नागिन का, इससे पहले कि हम ये भूल जाए कि आप हमारे काका से हैं, चले जाइए यहाँ से। ये तो अपनी जिंदगी का आदेश चाहिए। हमारी बड़ी बेटी है, इसके दुश्मन हमारे दुश्मन हैं। चले जाइए यहां से। डसेगी ये नागिन तुम सबको, डसेगी। ऐसा डसेगी कि तड़पने का मौका भी नहीं मिलेगा। चले जाइए यहां से। जय महाकाल। विश्वास नहीं होता, हम हार गए। इंसानी प्रेम ने परास्त कर दिया। ये जानते हुए भी कि अमृता नागिन है, उस परिवार ने अमृता को अपना लिया। दुर्बलता का प्रतीक है ये प्रेम। क्यों ईश्वर ने ये प्रेम मनुष्य के हृदय में भर दिया? क्यों? क्या बात है बाबा, आप इतने निराश क्यों बैठे? हम अमृता के घर गए थे उसे पकड़ने के लिए। सब कुछ वैसा ही चल रहा था जैसा हमने सोचा था। हमने तो उसे उसके परिवार के सामने नागिन बना भी दिया था। पर क्या बाबा? भावनाएं, प्रेम आड़े आ गया। वो मूर्ख परिवार इतना प्रेम करता है अमृता से कि उन्हें उसका नागिन होना भी स्वीकार था। मैंने कहा था ना बाबा कि इस नाटक की जरूरत नहीं। आप मुझे आदेश देते, मैं उसे खत्म कर देती। ऐसी बेवकूफी की बातें मत कर। उसे मारना नहीं है, उसे बस काबू में करना है ताकि हम उससे नागमणि प्राप्त कर सके। लेकिन कैसे बाबा? प्रेम से। प्रेम मनुष्य की शक्ति है तो प्रेम ही मनुष्य की दुर्बलता भी है। जिस प्रेम के कारण आज हम पराजित हुए हैं, एक दिन वही प्रेम स्नेह भावनाएं अमृता को हमारे सामने घुटने टेकने पर मजबूर कर देंगी। वो मणि तो एक दिन हम प्राप्त करके रहेंगे। नागमणि बाबा को चाहिए, यानी ये हमारी मदद करने का दिखावा कर रहे थे। इतना बड़ा विश्वासघात नहीं, अब हम इन पर भरोसा नहीं कर सकते। हमें नागमणि खुद हासिल करनी होगी और उसके लिए हमें शक्तिशाली बनना है, इस तांत्रिक से कहीं ज्यादा शक्तिशाली। हमने अपनी असलियत छुपाई, उसके लिए हम माफी चाहते हैं। हम जानते हैं आप सभी के मन में ढेरों सवाल उठ रहे होंगे और यही सही वक्त है उनका जवाब देने का। हम कौन हैं या क्यों आए हैं, कैसे आए हैं, सब आपको बताएंगे और फिर आप तय कीजिएगा कि हम सही हैं या गलत।
हम अपने माँ और पिताजी के साथ नागलोक में रहते थे, बहुत सुकून था, खुशियाँ थी हमारी जिंदगी में, पर शायद किस्मत को ये खुशियाँ मंजूर नहीं थी। एक दिन कुछ इंसान तक्षक वन में आए, उनका मकसद गलत था, पर वो अपने मकसद में कामयाब हो गए। नागलोक की सबसे कीमती चीज नागमणि उन्होंने चुरा ली। उस नागमणि की रक्षा की जिम्मेदारी हमारे पिताजी नागराजा की थी, क्योंकि वो नागलोक के राजा थे। अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए उन्होंने नागमणि इंसानों से हासिल करनी चाहिए, पर उन दुष्टों ने माँ और पिताजी दोनों की हत्या कर दी। एक ही बल में हमारी हस्ती खेलती दुनिया उजाड़ दी। मार दिया उन्होंने माँ और पिताजी को, अनाथ कर दिया हमें। पर हमने भी तय किया था कि उनकी मौत का बदला लेकर ही रहेंगे और नागमणि वापस हासिल करेंगे, क्योंकि अगर वो नागमणि गलत हाथों में जा सकती है तो वो दुष्ट दुनिया उजाड़ सकते हैं। हम बदला लेना चाहते थे, सर्वनाश कर देना चाहते थे उन दुष्टों का, पर हम मजबूर थे। हमारी माँ ने हमें बताया था कि हमें अपनी शक्तियां पूरी तरह प्राप्त करने में कई साल लगेंगे और तब हम बच्ची बनकर इंसानी दुनिया में आए और उस मंदिर में रहने लगे जहाँ से आप हमें लेकर आए थे। इस घर में आकर हमें बहुत कुछ मिला, एक ठिकाने एक घर की उम्मीद लेकर आए थे यहाँ, पर आप लोगों ने हमें इतना प्यार दिया कि हमारे माँ और पिताजी की कभी कभी महसूस नहीं होने दी। इस घर में हम कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। हमने इस परिवार को दिल से अपना माना है। वो तांत्रिक जो कह रहा था उस पे विश्वास मत कीजिए, वो धोखेबाज है, हमें अपनी जान में फंसाकर नागमणि हासिल करना चाहता है। हम अपने आप से उतना प्यार नहीं करते जितना इस परिवार से करते हैं। कोई क्या कहता है उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, सच्चाई तो सिर्फ यही है कि आप हमारी बेटी हैं। हम भी आपसे उतना ही प्यार करते हैं जितना आप हमसे करते हैं। माफ कर दो बेटा, हमें उस मक्कार श्याम की बातों पर यकीन नहीं करना चाहिए था। अब जो भी हो बेटा, हमारे घर का हिस्सा हो। हमने जो कुछ भी किया अपने घर परिवार की रक्षा के लिए किया। हम आपको नागिन देखकर डर गए थे बेटा, हमें माफ कर दो। हमें आपसे कोई शिकायत नहीं है बुआ साहब, अगर हम भी आपकी जगह होते तो हम भी ऐसा ही करते। जो होना था हो गया। हमें खुशी है कि हमारा परिवार हमारे साथ है। अब हमें ये डर भी नहीं है कि कोई हमारी असलियत आपसे कहेगा। अब हम बेटी के हक से इस घर में हक से रह सकते हैं। अपना ख्याल रखना हो बेटा। ए करण अर्जुन, इतना दुखी होने की जरूरत नहीं, बोर्डिंग स्कूल में आपको बहुत मजा आएगा, बहुत अच्छा लगेगा। हाँ, और हर 3 महीने में हम आपसे मिलने तो आएंगे ही, पढ़ाई करनी भी तो जरूरी है ना।
और पता है आपको, अगले साल तो कनक भी बोर्डिंग स्कूल जाएगी। हम कहीं नहीं जाएंगे, हम आप लोगों से इतना प्यार करते हैं, हम आपके बिना नहीं रह पाएंगे। हम आपको कहीं जाने भी नहीं देंगे, और वैसे भी सब बच्चे चले गए तो घर कितना सुना सुना हो जाएगा, है ना? कनक की पढ़ाई हम यहीं करेंगे, ठीक है? बच्चों, देर हो गई है, फ्लाइट मिस हो जाएगी, चलो। दादी साहब, जल्दी जल्दी आना। हाँ बेटा, हम जल्दी जल्दी आएंगे और आपके लिए ना ढेर सी चॉकलेट्स लाएंगे। बहुत शांत रहिए कनक, हमारे परिवार के लोगों के दिलों में उसने जगह बना ली है, हमें सावधान रहना होगा। तो पंचर हो गया, गाड़ी में स्टेपनी भी नहीं है। चिंता मत कीजिए, कोई ना कोई तो लिफ्ट दे ही देगा ना। मुसीबत में है। अमृता, क्या हुआ बेटा? माँ और पिताजी कहाँ हैं? उनके कुछ दोस्त आए हुए हैं ना, उनसे मिलने फार्म हाउस गए। क्या? अमृता, आशा नहीं होगी ना कि इतनी जल्दी फिर मुलाकात हो जाएगी। क्या चाहिए तुमको? अमृता, और अगर तुम दोनों जिंदा रहना चाहते हो तो वो नागिन तुम हमें दोगे। पिताजी, कहाँ आप लोग? क्यों चाहिए तुम्हें अमृता? क्यों पीछे पड़े हमारी बच्ची के? बच्ची नहीं है वो, इच्छाधारी नागिन है, चाबी है हमारे अनमोल खजाने की। बकवास बंद करो। हमारे होते हुए तुम हमारे बच्चे तक कभी नहीं पहुंच पाओगे। चलिए। जय महाकाल। ये मृत्यु का घेरा है और इससे मुक्ति पाने का केवल एक ही उपाय है, हमें अमृता दे दो। एक बार अमृता हमारे कब्जे में आ गई
तो हम उसे 10 वर्षों के लिए कैद कर लेंगे और फिर वो तभी मुक्त होगी जब हमें नागमणि प्राप्त हो जाएगी। पिताजी, कहाँ हैं आप लोग? सिर्फ शक्ति की पूजा की है तुमने तांत्रिक, भावनाओं को कभी समझा ही नहीं। हम हमारी बच्ची को तुम्हारे जान में कभी फंसने नहीं देंगे। ए लड़की, क्यों अपनी मृत्यु को निमंत्रण दे रही है? मंजूर है, हमें हमारी मौत मंजूर है, पर अपनी बेटी की कैद मंजूर नहीं। हम जानते हैं आप मुसीबत में हैं, हम आपको बचा सकते हैं। पिताजी, अगर तुम्हें मृत्यु इतनी ही प्यारी है तो हम तुम्हें मृत्यु ही देंगे। अंतिम अवसर देते हैं तुम लोगों को, अमृता को यहां बुलाओगे या नहीं? नहीं। मौत ही हमारी बच्ची की जिंदगी है तो ये मौत हमें मंजूर है। अरे मूर्ख इंसान, वो तुम्हारी बेटी नहीं है, वो एक नागिन है। ये कैसा मोह है जरा सोचो, तुम्हारी तुम्हारी अपनी भी एक बेटी है, तुम्हारे बाद उस बिचारी का क्या होगा? तुम हमें बहला नहीं पाओगे तांत्रिक, हम अपनी अमृता पर ऐसी 100 जिंदगियां कुर्बान कर सकते हैं पर अपनी बेटे की जिंदगी का सौदा कभी नहीं। पिताजी, बताइए ना, कहाँ हैं आप लोग? जय महाकाल। हमारी किस्मत में आपकी माँ होने को बताइए ना, कहाँ हैं आप लोग? अपना ख्याल रखना अमृता, हम आपको बचा सकते हैं, बताइए ना। जय महाकाल। जी